नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यमी क्रेविंग्स विद आरएनडी। आज हम देखने जा रहे हैं आलू और बैंगन की सब्जी कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमें लगेंगे 3 बैंगन, 2 बड़े आलू, 3 हरी मिर्च और धनिया, 1 टेबलस्पून नमक या आपके स्वादानुसार, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर और आधा कटा नींबू। इसके अलावा हमें लगेंगे आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टेबलस्पून टर्मेरिक पाउडर। तो दोस्तों, मैंने आलू और बैंगन को नमक के पानी में भिगो के रखा है जिससे बैंगन काले न पड़ जाए। तो अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे और गैस को मीडियम से लो फ्लेम तक रखेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा। इसके बाद हम डालेंगे चॉप किए हुए ग्रीन चिलीज। इन 3 इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से चलाते रहेंगे। गैस को थोड़ा लो फ्लेम तक रखेंगे और उसके बाद हम उसमें डालेंगे आलू। आलू हम पहले इसलिए डालेंगे क्योंकि आलू को पकने के लिए थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है, तो हम आलू पहले डालेंगे और बैंगन बाद में डालेंगे। आलू को फ्राइंग पैन में डालने के बाद हम उसे चलाते रहेंगे और कम से कम 5 से 8 मिनट तक पैन को ढक देंगे ताकि आलू अच्छे से पक जाए। दोस्तों ध्यान रहे, हमने यहाँ बॉइल्ड आलू यूज नहीं किए हुए हैं, हमने रॉ यानी कच्चे आलू यूज किए हुए हैं। कम से कम 5 से 8 मिनट तक हमें इसी तरह चलाते रहना है। अब हम पैन की लिड क्लोज कर देंगे और गैस को मीडियम से लो फ्लेम तक रखेंगे। 5 से 8 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं कि हमारे आलू पक चुके हैं या नहीं। तो हम उसमें नाइफ पियर्स करके देखेंगे। अगर नाइफ अच्छे से पियर्स हो रहा है, दैट मीन्स आलू पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बैंगन के टुकड़े, फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून गरम मसाला। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स करके फिर उसमें डालना है 1 टेबलस्पून नमक। नमक डालने के बाद कम से कम 5 से 8 मिनट तक हमें बैंगन को अच्छे से कुक होने देना है, इसलिए हम लिड क्लोज कर देंगे और 5 से 8 मिनट तक इंतज़ार करेंगे। हमने नमक डाल दिया है, हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को मीडियम से लो फ्लेम तक रखेंगे और लिड क्लोज कर देंगे। 5 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसमें आधा कटा हुआ नींबू निचोड़ेंगे और धनिया गार्निशिंग के लिए ऊपर से डाल देंगे। तो लो बन गई हमारी आलू और बैंगन की सब्जी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग यमी क्रेविंग्स विद आरएनडी।